ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपका बहुत 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 सारा स्वागत है मेरे आपके हम सब के चैनल दीपिका की यात्रा में। तो फिर से एक नए टॉपिक पर चर्चा स्टार्ट करते हैं, बात स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसे ही हम इंसान इस धरती पर जन्म लेते हैं तो बहुत सारे रिश्ते हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ एक माँ का रिश्ता जुड़ जाता है, एक बाप का, एक भाई का, एक बहन का, एक चाचा चाची का, एक नाना नानी का, और ना जाने कितने सारे रिश्ते सडनली हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और आज मैं उन्हीं रिश्तों में से एक बहुत ही स्पेशल जो रिश्ता है, जो कि है बाप बेटे का रिश्ता, उसके बारे में बात करूँगी। जब एक फैमिली में एक बेटे का जन्म होता है तो मतलब जो खुशी का लेवल होता है वो अलग ही होता है। क्योंकि एक तो इस बात की खुशी होती है कि हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है, और वो भी सही सलामत सब कुछ अच्छे से पैदा हुआ है। और दूसरी खुशी होती है कि बेटा पैदा हुआ है, जिससे उन्हें लगता है कि अब कोई हमारा आगे वंश चलाने वाला आ गया है। तो उसके साथ एक खुशी और होती है कि हमारे जो हमारा डिफिकल्ट टाइम होगा, जो हमारा ओल्ड एज होगी, जो हमारा बुढ़ापा होगा, उसमें हमें कोई संभालने वाला आ गया है। तो वो फ्यूचर तक का चीज़ जो है बाप उस पल में सोच लेता होगा, कि वो एक रिलैक्स फील करता होगा कि अब मेरा जो फ्यूचर है, जो मेरा बुढ़ापा है, मेरा और मेरी वाइफ का, वो सिक्योर हाथों में होगा। तो इस तरीके से एक बहुत ही प्यारा रिश्ता आगे शुरुआत करता है जिंदगी की। पेरेंट, हर बाप बहुत खुश होता होगा जब उसके घर में बेटा जन्म लेता है। और धीरे धीरे ये जो बाप बेटी की जो ये जोड़ी होती है ना, धीरे धीरे बेटा छोटा जो गोदी में होता है, फिर वो धीरे धीरे चलने लगता है, फिर धीरे धीरे भागने दौड़ने लगता है, स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, कॉलेज जाना स्टार्ट कर देता है, और बाप बेटी का ऐसे ही प्यार आगे आगे बढ़ता जाता है। पर ऐसे आगे बढ़ते 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 एक पल ऐसा आता है कि उस पल के बाद बहुत से घरों में इस जोड़ी में, ये जो बाप बेटे की जोड़ी है, इसके बीच में जो प्यार है, उसमें पता नहीं कहाँ से बहुत सारे डिस्टेंसेस, डिफरेंसेस, मन मुटाव, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और वो क्यों आती हैं वो तो वो ही जाने। मे बी मेंस ईगो आ जाती है, या बच्चे अपने आप को इतना बड़ा समझने लग जाते हैं, मतलब कि उन्हें लगता है कि बाप जो बोल रहे हैं या मेरे फादर जो बोल रहे हैं वो इतना वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि वो बच्चा बाहर की दुनिया में गया है, स्कूल गया है, कॉलेज गया है। तो अब उसे लगता है कि जितना उसे पता है उतना उसके फादर को नहीं पता, जबकि वो नहीं जानता कि इस सेम स्टेज से उसके फादर ने भी आगे अपना जीवन बढ़ाया है, वो भी इस सेम स्टेज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। जो बाप बेटे बचपन में एक दूसरे को गले लगाते थे, किसेस करते थे, हग्स करते थे, और एक दूसरे के साथ खेला करते थे, टाइम स्पेंड किया करते थे, साथ में सोया करते थे, जकड़ जकड़ के एक दूसरे को, और न जाने फिर वो टाइम कहाँ से आ जाता है कि वो बाप बेटे एक साथ बैठना भी साथ में पसंद नहीं करते। यहाँ पे ये नहीं है कि सब अगर ऐसे डिफरेंसेस आते हैं इस रिलेशन में तो उसमें सारी गलती बेटों की ही होती है। इसमें गलती बाप की भी हो सकती है, फादर भी इसमें हो सकता है गलत हों। तो छोटी सी बात इस वीडियो में मुझे यही बोलनी है कि ये रिश्ते जो है ना, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से। उन पेरेंट्स से पूछिए जिनके पास बच्चे ही नहीं होते, वो लड़का तो क्या वो लड़की के लिए भी तरसे रहते हैं। और आपके पास एक लड़का है, और आपके पास लड़का हुआ है, और जो आपने सपना देखा था कि जब वो पैदा हुआ था कि मुझे बुढ़ापे में कोई संभालने वाला आ गया, तो वो सपना आप कई बार खुद ही चकनाचूर कर देते हैं अपने ईगो की वजह से। अपने जो आपका जो बेटा है उसको, उसके साथ एक बहुत एक बैलेंस रिलेशन बना के रखिए। आप
उसके साथ अगर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं तो साथ में एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड भी रखिए। और वो बॉन्ड तब तक नहीं है जब तक आप उसे गोदी में होल्ड कर सकते हैं, उठा सकते हैं। ये बॉन्ड तब तक रहना चाहिए जब तक आपका अंत है, और मैं तो कहती हूँ उससे भी आगे। उसके लिए ब्लेसिंग्स दीजिए, आगे जाके भी उसके लिए ब्लेसिंग्स देते रहिए। और बेटे जो हैं, क्या हो जाता है ऐसा, आपको बाहर कोई कितना भी अच्छा कहेगा, किसी और के फादर, कोई और रिलेटिव आपको कितना भी अच्छा कहेगा, आपके लिए कितना भी अच्छा करेगा, पर जो आपके फादर आपके बारे में, आपके फेवर के बारे में और आपके वेल बीइंग के बारे में जो फादर सोच सकते हैं, वो बाहर का कोई नहीं सोच सकता। और अपने एक्सपीरियंसेस से, जो मैंने लाइफ में देखे हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं, जितना मेरी लाइफ निकली है, तो रिलेशनशिप्स में उस टाइम का वेट मत कीजिए जब वो इंसान इस दुनिया से विदा हो जाए, चाहे उसमें वो बाप हो या बेटा हो। उन टाइम्स का कभी भी वेट मत कीजिए। आप बहुत रिग्रेट में रहेंगे कि जब वो टाइम आ जाएगा ना, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा कि मैंने अपना कितना प्रेशियस टाइम जो है वो गंवा दिया इसी तरीके से। और बाद में पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आपके सामने इंसान अवेलेबल है, तो आप उसके साथ प्यार का एक बॉन्ड रखिए। क्यों शर्माना है कि बेटा बड़ा हो गया है तो क्या अब आप अपने बेटे को किस नहीं कर सकते, अब आप बेटे को हग नहीं कर सकते? वो आप ही का तो बेटा है, बदल थोड़ा गया है, बड़ा हुआ है तो क्या आप उसको हग कर सकते हैं, आप उसको किस कर सकते हैं? ठीक है कि जो जब बच्चे छोटे होते हैं तो तब तो हम बहुत सारे किसेस, बहुत सारे हग्स करते हैं, पर अपना प्यार शो करने के लिए, अपनी जो के अंदर जो प्यार की फीलिंग्स आ रही है, तो उनको कभी कभार आप अपने बेटे को एक टाइट हग देके कर सकते हैं, उसको चीक पे एक किस देके अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। और बेटे भी अपने फादर्स को इसी तरीके से अपना प्यार का इजहार कर सकते हैं। मेरी ये बात मानिएगा और आप खुद ना इतना ब्लेस्ड फील करेंगे इस चीज़ को लेके कि कल को जब आपके फादर इस दुनिया में नहीं रहेंगे ना, तो आपके मन में कोई रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने अपने फादर के साथ ऐसा किया। या किसी भी वजह से बेटा बेटे को कुछ हो जाता है, तो फादर को कभी रिग्रेट नहीं रहेगा कि उसके रहते रहते मैंने उसके साथ ऐसा किया और ऐसा नहीं किया। तो जब तक कोई इंसान आपके साथ अवेलेबल है, उसके साथ प्यार से रहिए, जितना हो सके प्यार से रहिए। ये तो एक ही रिश्ते के बारे में बात की है, आज हमारे बीच के हर रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई है कि उसको मिटाना बड़ा मुश्किल सा लगता है, पर वो नामुमकिन कभी भी नहीं है, क्योंकि हम इंसान पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे ही हैं। हमारे हाथ पांव, जो हमारे को फिजिकल बॉडी मिली है, जो हमारे को इमोशंस मिले, उनमें कोई चेंज आया नहीं है। कुदरत ने उसको कोई चेंज करके नहीं भेजा, ये हमने अपने माइंडसेट से उसको चेंज कर रखा है। उन्हीं बेटों में से या उन्हीं फादर्स में से हैं जो ऐसे ही सिचुएशंस से अपने बेटों के साथ या अपने फादर्स के साथ ऐसे ही सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, तो सारे ईगो साइड रखिए और जाइए अपने बेटे के पास और उसको प्यार से उसके सर पे हाथ फेराइए और बैठिए उसके साथ। अपने दिल की जो आपको उसके अंदर कमियाँ लगती हैं, जो चीज़ें उसकी चुभती हैं, उसको प्यार से उसको बता दीजिए। और बेटा भी अगर उसको अपने पापा से कोई प्रॉब्लम है, तो प्यार से अपने पापा को बताए, पापा मुझे ये दिक्कत है आपसे। और दोनों इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। आप दोनों एक दूसरे को इसलिए बता पा रहे हैं, इसलिए बता भी रहे हैं, क्योंकि आपको एक दूसरे के इम्पोर्टेंस का पता है। आप आगे कभी रिग्रेट नहीं करना चाहते। आपका जो बचपन से जो रिश्ता बना था, आप उसको कायम करके रखना चाहते हैं, इसलिए आप ये एफर्ट कर रहे हैं। होप कर रही हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर समझ में आया है और मेरी बात अच्छी लगी है, तो बस वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसी ही बातें मैं करती ही रहती हूँ अपने इस चैनल पे और आपके इस चैनल पे, तो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना,
कुछ मेरी बात अटपटी लगे या अच्छी लगे तो उसके लिए कमेंट भी कर देना। और फिर मैं दीपिका फिर से आपसे मिलूँगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।